Assalam-o-Alaikum students, I'm Seher Hamad. Welcome to another lecture of public administration. Uh, I hope you've uh, understood all the concepts that we've talked about so far. Uh, if you do have a problem, do let me know uh, in the WhatsApp group or individually as well. I'll be happily responding to your queries. Um, so, today's topic is going uh, syllabus, mein, uh, us topic ka naam, public choice theory. एंड इट्स अ लिटल टॉपिक बट ये बहुत सारे और टॉपिक्स में यूज़ हो रहा होता है इसलिए बहुत ज़रूरी है आपका इसको जानना सो पब्लिक चॉइस थेरी वॉज ब्रॉट अबाउट अ पर्सन हुज नेम वॉज़ जेम्स एम बी कैन और बी कैन इन को स्पेल किया जाता है बी यू सी एच एन एन सो जेम्स एम बी कैन जो हैं ही अप्लाईड दिंसिपल्स ऑफ इकनॉमिक्स टू पॉलिटिक्स नाव इसको समझने के लिए ये समझना है कि वी वी अंडरस्टैंड के जो प्रिंसिपल्स पॉलिटिक्स पर अप्लाई होते हैं दे डिफरेंट फ्राम द प्रिंसिपल दर अप्लाइड इन इकनॉमिक्स इकनॉमिक्स में क्या प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं इकनॉमिक्स में बेसिक प्रिंसिपल जो अप्लाई होता है वो ये होता है कि पीपल आर मोटिवेटेड बाई सेल्फ़ इंटरेस्ट और चाहे वो लोग Uh, दूसरों के लिए भला करना चाहें भी बट जो मेजर डोमिनेंट फैक्टर होता है जो उनके एक्शंस को ट्रिगर करता है दैट इज़ सेल्फ़ इंटरेस्ट चाहे वो एम्प्लॉयर हो एम्प्लॉई हो या कंज्यूमर हो इसी तरह यही प्रिंसिपल अप्लाई uh, किया बी uh, कैनन ने पब्लिक uh, सेक्टर में और इस सेक्टर को इस तरह देखा कि uh, uh, जो लोग पॉलिटिकल मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं Uh, हाँ ज़रूर चाहेंगे वो कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें या यू नो दे शुड शो कंसर्न फॉर अदर्स लेकिन uh, जो मोटिव डोमिनेंट मोटिव होगा जो उनके एक्शंस को डायरेक्ट कर रहा होगा uh, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो या वो वोटर हो या वो ब्यूरोक्रेट हो या कोई लॉबियस्ट हो या इंटरेस्ट ग्रुप हो तो उन्हीं सबके जो एक्शंस को मोटिवेट uh, कर रहा है वो सेल्फ़ इंटरेस्ट होता है यानी कि नेचुरली uh, इंडिविजुअल जो है वो सेल्फिश है ये बेसिक एग्जाम्पन है uh, एक इकोनॉमिक्स uh, का प्रिंसिपल है और इसी को अप्लाई किया गया इस सेक्टर में किस सेक्टर में पब्लिक सेक्टर में कि जो पब्लिक सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं हैं तो वो इंडिविजुअल्स ही तो वो भी मोटिवेटेड हैं बस सेल्फ इंटरेस्ट सो पब्लिक चॉइस थेरी जो है वो एक्चुअली पॉइंट आउट करती है कि गवर्नमेंट ऑफिशल्स जो हैं दे बिहेव इन अ मैनर दैट मैक्सिमाइज देयर पर्सनल गेन रादर देन यू नो फर्दर पब्लिक इंटरेस्ट तो ना इस पर बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी है बिकॉज कुछ थेरीज ऐसी हैं जो कहती हैं कि यू uh, नो you know, uh, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो रैशनली चूज़ uh, करेंगे वेलफेयर ओवर देयर ओन इंटरेस्ट बट ये थेरी इसके ऑपोजिट बात करती है और वो ये जो थेरी है इसके तीन मेन एलिमेंट्स हैं जिसकी बेसिस पर इस थेरी पर डिस्कस हो सकता है यानी जो पहला एलिमेंट है वो है इंडिविजुअलिज्म यानी कि हर इंसान जो है उसकी एक इंडिविजुअल बीइंग है उसकी इंडिविजुअल एस्पिरेशंस हैं और वो इंडिविजुअल एस्पिरेशंस आपको फोर्स करती हैं कि आप अपना इंटरेस्ट सबसे पहले देखें सो यू पुट योर सेल्फ फर्स्ट बिफोर एनीबडी एल्स सो कोई भी पब्लिक सर्वेंट या जो पब्लिक सेक्टर में जितने अथॉरिटीज़ uh, हैं वो उस पब्लिक सेक्टर में होने से पहले एक इंडिविजुअल है और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडिविजुअलिज्म की यानी कि सेल्फिश मोटिव पुटिंग योर सेल्फ फ़र्स्ट वो उनमें डोमिनेंट होता है सेकेंड uh, जो इसकी मेन uh, एलिमेंट है पब्लिक चॉइस थेरी की वो है रैशनल चॉइस यानी कि रैशनल uh, चॉइस का मतलब है पीपल हु आर यू नो इंटेलिजेंट इनाफ टू डिसाइड व्हाट इज़ गुड फॉर देम एंड दे कुड प्रायोरिटाइज़ कि अगर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं तो उनमें से सबसे बेहतर मेरे लिए क्या है यानी कि वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकें कि किस चीज़ में उनको बेनिफिट uh, ज़्यादा हो रहा है यानी अगर एक ऐसी पॉलिसी uh, है जिसमें लोगों का सिर्फ़ फ़ायदा हो रहा है और किसी गवर्नमेंट uh, ऑफिशियल या अथॉरिटी का नहीं हो रहा तो दे वुड बी लेस मोटिवेटेड टू डू इट बट इसके अलावा अगर कोई ऐसी पॉलिसी है जिसमें इन टर्न उनको भी बेनिफिट हो रहा है तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे या ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे वो करने के लिए तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक uh, है uh, या मेन एलिमेंट है पब्लिक चॉइस थेरी का वो है पॉलिटिकल एक्सचेंज नाउ पॉलिटिकल एक्सचेंज में यू नो पॉलिटिकल मार्केट्स ये कहते हैं दे ऑपरेट लाइक प्राइवेट मार्केट्स विद इंडिविजुअल्स मेकिंग एक्सचेंजेस विच आर विच आर म्यूचुअली बेनिफिशियल जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया Uh, कि जो म्यूचुअली बेनिफिशियल चीज़ होगी उसको करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे बजाय इसके कि जिसमें uh, उनका कोई पर्सनल गेन ना हो तो आपने ये समझना था कि इकोनॉमिस्ट क्या अज्यूम करते हैं इकोनॉमिस्ट ज्यूम uh, करते हैं कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो रैशनली सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं ओके इन प्राइवेट डिसीजन मेकिंग अब पब्लिक इंटरेस्ट थेरी जो अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी में आई थी वो पब्लिक इंटरेस्ट इंटरेस्ट थेरी क्या कहती है पब्लिक इंटरेस्ट थेरी ये कहती है कि कलेक्टिव चॉइसेस आर बेस्ड ऑन व्हाट इज बेस्ट फॉर सोसाइटी यानी कि जो लोग कलेक्टिव चॉइसेस यानी डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी फॉर्मूलेशन कर रहे हैं वो वही करेंगे विच इज़ बेस्ट फॉर सोसाइटी बिकॉज आर रैशनल बींग्स एंड आर देयर इन इन अटर ऑनेस्टी और वो उसको आगे फर्दर करना चाहेंगे सोशल वेलफेयर को और लोगों के लिए काम करना चाहेंगे ऑन द कंट्री अगर आप देखिए इंडिविजुअलिज्म की जो हम बात कर रहे थे उसमें जो बेसिक प्रेमस है वो यही है कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं दे आर मोटिवेटेड बाय सेल्फिश इंटरेस्ट सो ये दो चीज़ें कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही हैं ये एक डाइकॉडमी है कि एक आ, पब्लिक uh, सेक्टर में ऑफिशियल वो सोशल इंटरेस्ट को भी फर्दर कर रहा है बट इन द इन द एंड वो एक इंडिविजुअल है जो अपने इंटरेस्ट को भी uh, देखना चाहता है सो so, अगर उसके इंटरेस्ट जो होंगे वो म्यूचुअल बेनिफिशियल होंगे यानी ऐसी कोई पॉलिसी जो कि उस ऑफिशियल के लिए भी बेहतर है और उन मैसेज uh, के लिए भी तो दैट्स परफेक्टली फाइन और uh, uh, वो मोटिवेशन होगा लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ है जहाँ कोई इंसेंटिव नहीं है फॉर द ऑफिशियल फॉर द अथॉरिटी इन पॉलिसी फॉर्मूलेशन और इम्प्लीमेंटेशन तो फिर दे वॉन्ट बी इंटरेस्टेड सो ये बेसिक प्रेमस है आप uh, अगर आप देखिए कि जो जैसे वोटर्स uh, हैं वो क्या होते हैं देर कंज्यूमर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी या वो डिमांडर्स हैं पब्लिक पॉलिसी के और पॉलिटिशन जो हैं वो क्या है सप्लायर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी हैं अब इनके इनके एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल बेनिफिट होना ज़रूरी है फॉर दिस सप्लाई एंड डिमांड टू स्टे इन इक्विलिब्रियम अच्छा सो so आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे बिजनेसेस किस चीज़ के लिए कम्पीट करते हैं बिजनेसेस कम्पीट करते हैं कंज्यूमर्स के लिए इसी तरह पॉलिटिशियन किस चीज़ के लिए कंज्यूम करते हैं, किस चीज़ के लिए कम्पीट uh, करते हैं पॉलिटिशियन कम्पीट करते हैं वोटर्स के लिए सो यू सी अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन विच इज सिमिलर एक चाहता है कंज्यूमर और एक चाहता है वोटर और उस दोनों चीज़ों में एक म्यूचुअल बेनिफिट का होना ज़रूरी है ऑब्वियसली बिजनेस वुड ओनली वर्क अगर जो कंज्यूमर चाहता है उसको वो प्रोडक्ट या सर्विस मिले तभी आपके पास ज़्यादा कंज्यूमर्स आएंगे इसी तरह एक गवर्नमेंट कब का काम करेगी प्रॉपरली जब आपके जो कंज्यूमर्स हैं यानी कि जो आपके वोटर्स हैं जो आपके मेजर पॉपुलेशन है वो कब आपको दोबारा से री एलेक्ट करेगी जब आपकी जो पॉलिसी है वो उनके फेवर में होगी और उससे उनको बेनिफिट हुआ होगा इसी तरह बिजनेसेस वांट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स और पॉलिटिशियंस की इस चीज़ को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं दे वांट टू मैक्सिमाइज द वोटर टर्न टर्न ओवर कि वो चाहते हैं कि वोटर्स उनको ज़्यादा uh, मिले प्लस वो रियलेक्ट भी करें सो देर क्वाइट सिमिलर थिंग्स अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू बी कैन और इस पर बेकर और बहुत सारे और लोगों ने भी काम किया और uh, वो कहते हैं कि पीपल चूज़ एंड देर चॉइसज़ इन कॉस्ट सो एंड दैन पीपुल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव अगर एज बिक यू हैव टू ट्रीट एवरी पब्लिक ऑफिशियल एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो अगर उसको इंडिविजुअल कपेसिटी में कोई इंसेंटिव मिल रहा है कोई मोटिवेशन मिल रहा है तो वो ज़्यादा इंटरेस्टड होगा उस पब्लिक पॉलिसी को फर्दर करने में जो कि लोगों की प्रॉब्लम को ट्रांसलेट करके आई होगी या लोगों की इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए आई होगी सो so, देखा जाए तो बी कैनन की जो इंसाइट्स हैं ये हमें ह्यूमन नेचर के बारे में बताती हैं पॉलिटिकल आउटकम्स के बारे में बताती हैं एंड दे ट्राई टू ब्रॉडन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंसेंटिव्स दैट मोटिवेट पोलिटिकल एक्टर्स सो ये एक छोटी थेरी थी जो पोलिटिकल चॉइस थेरी है यानी कि चॉइसेस दैट पोलिटिशन्स मेक और उन चॉइसेस जो हैं उनमें अपरचुनिटी कॉस्ट भी होती है उनमें उनके इंडिविजुअल इंटरेस्ट्स भी होते हैं सो uh, so ये थ्योरी पब्लिक चॉइस थ्योरी है जिसके बारे में आपको uh, पता होना ज़रूरी था नेक्स्ट uh, लेक्चर में हम और टॉपिक्स पर बात करेंगे थैंक यू वेरी मच